महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र का अभी मौजूदा समय पे कुल आबादी 12 करोड़ 47 लाख के करीब है, जो कि भारत के पश्चिम भाग की ओर फंसा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 में किया गया था। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल आबादी 11 करोड़ 24 लाख के करीब है, जिसमें कि हिंदू धर्म की आबादी 8 करोड़ 97 लाख है, लगभग 80% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 1 करोड़ 29 लाख 72 हजार है, लगभग पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्म की आबादी 11.5% के करीब है। लेकिन आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के 10 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जानकारी प्रतिशत के हिसाब से दी गई है, तो चलिए नंबर 10 से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको महाराष्ट्र के 10 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आप लोग महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले में रहते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, बुलडाना जिला। यह जिला अमरावती डिवीजन के अंतर्गत आता है। बुलडाना जिले का कुल क्षेत्रफल 9,661 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 25,86,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 3,54,000 है, लगभग 13.70% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 9, जालना जिला। यह जिला औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। जालना जिले का कुल क्षेत्रफल 7,687 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 19,59,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 4,72,000 है, लगभग 14% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 8, नांदेड़ जिला। यह जिला औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। नांदेड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 10,528 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 33,61,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 4,74,000 है, लगभग 14.10% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 7, अमरावती जिला। यह जिला अमरावती डिवीजन के अंतर्गत आता है। अमरावती जिले का कुल क्षेत्रफल 12,235 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 28,88,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 4,22,000 है, लगभग 14.60% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 6, लातूर जिला। यह जिला औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। लातूर जिले का कुल क्षेत्रफल 7,157 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 24,54,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 3,68,000 है, लगभग 15% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 5, परभणी जिला। यह जिला औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। परभणी जिले का कुल क्षेत्रफल 6,251 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 18,36,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 3,06,000 है, लगभग 16.69% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 4, मुंबई सब अर्बन जिला। यह जिला कोकण डिवीजन के अंतर्गत आता है। मुंबई सब अर्बन जिले का कुल क्षेत्रफल 446 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 93,57,000 के करीब है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म की आबादी 17,96,000 है, लगभग 19.19% के करीब। इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं।
नंबर 3 अकोला जिला, यह जिला अमरावती डिवीजन के अंतर्गत आता है। अकोला जिले का कुल क्षेत्रफल 5,428 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 18,14,000 के करीब है, जिसमें की मुस्लिम धर्म की आबादी 3,57,000 है। लगभग 19.70% के करीब इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 2 औरंगाबाद जिला, यह जिला औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 10,100 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 37,12,000 के करीब है, जिसमें की मुस्लिम धर्म की आबादी 7,87,000 है। लगभग 21.25% के करीब इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। नंबर 1 पर है मुंबई सिटी जिला, यह जिला कोकण डिवीजन के अंतर्गत आता है। मुंबई सिटी जिले का कुल क्षेत्रफल 157 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 30,85,000 के करीब है, इसमें की मुस्लिम धर्म की आबादी 7,73,000 है। लगभग 25.10% के करीब इस जिले पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं।